तो मित्रों, मैं आज सुबह घूमने निकला हूँ, तो इसी के साथ मैं आज आपको दिखाता हूँ मुक्तेश्वर मंदिर, जो ठीक मेरे वहाँ पर सामने है। तो आइए चलते हैं मुक्तेश्वर मंदिर। है मुक्तेश्वर मार्ग, सुबह का समय है दोस्तों। जो चरवाहे हैं वो अपने बकरियों के साथ है। ठीक, अब हम पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो आइए हम चलते हैं मुक्तेश्वर मंदिर के अंदर। ठीक, अब हम मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करेंगे। तो आइए दोस्तों। तो ठीक, जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं यानी कि प्रवेश करते हैं, तो ठीक सामने एक हमारे को देव पुरुष की जो वहाँ सिंदूर लगा हुआ है, उसके बाद ठीक हम आ गए हैं मंदिर के आगे, मुख्य मंदिर। और मुख्य मंदिर बहुत ही अच्छा है। यह जैसलमेर के लोगों के सामूहिक सहयोग से यह पूरा मुक्तेश्वर परिसर स्थल जो है यह डेवलप हुआ है। अब हम गर्भगृह में जा रहे हैं यानी कि मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करें। मैं आपको प्रत्येक दिशा से शिव के जो यहाँ लिंगी है उसके दर्शन करवाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक, अभी हम बिल्कुल सामने से हैं मंदिर के, बिल्कुल सामने से अंदर की तरफ प्रवेश किया है। और सुबह का समय है, लोगों ने शिव की लिंगी को काफी सजा के रखा है। यहाँ सुबह के समय कई पुरुष महिलाएं आते हैं, और यह नटवर जी यहाँ टीचर है जो यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ आते रहते हैं, इनके साथ कई और भी है। तो अब ठीक हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो बाबा जी थे, भंवर लाल जी पुरोहित, उनके भी जो पीछे मूर्तियाँ तस्वीर लगी हुई पड़ी है, अभी आपने देखा होगा। और ठीक हम पुनः आपको दिखाते हैं शिव की बिल्कुल नजदीक से। तो अब आप आ गए हैं बाबा जी की तस्वीर के पास। तो ठीक, यह जो सामने आपको दिख रहे हैं यही है भंवर लाल जी बाबा महाराज पुरोहित, इन्हीं के देखरेख में यह जो मुक्तेश्वर मंदिर है यह पूरा स्वरूप ले पाया है। और ठीक बाबा जी के पास में है केशवदास जी ओझा, यह संस्कृत ज्ञाता थे, शिक्षक थे। बात में आपको बता दूं, भंवर लाल जी हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे। सेवानिवृत्ति के बाद ठीक यहाँ शिव मंदिर के अंदर आ गए। अब मैं पुनः आपको एक दूसरे छोर से आपको पुनः दर्शन करवाता हूँ। तो देखिए आप, बहुत ही सुंदर आपको मैं दर्शन करवाऊँ। यह मुक्तेश्वर मंदिर जैसलमेर शहर के बिल्कुल ठीक बीच में गड़ीसर तालाब की पहाड़ी के ऊपर आया हुआ है, बहुत ही नज़दीक है। यानी कि लोग कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस, यानी कि पैदल आप चलते हुए यहाँ तक आ सकते हो सुबह के समय। कई लोग आते हैं प्रत्येक, यहाँ बिल्कुल सर्व लोगों का बड़ा अच्छा मिलना मिलाना होता है। यहाँ कुछ लोग जो है वह सुबह अपने ईश्वर का आराध्य का अपना नाम ले रहे हैं। तो हम ठीक आपको दर्शन करवा रहे हैं, यह शिव मंदिर बहुत ही अच्छा है। ठीक, अब हम आगे हैं आपको लेकर के शिव मंदिर के ठीक पीछे की तरफ। यह है कुंड, इस कुंड का निर्माण तत्कालीन कलेक्टर परसोत्तम अग्रवाल के समय में हुआ है। और यहाँ के जितने भी इस मुक्तेश्वर मंडली जो है इनके सदस्य तमाम हैं, इनके अगर नाम मैं लेना चाहूँ तो बहुत अधिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें से कई ऐसी युवतियाँ थी जो यहाँ से प्लान कर गई, यानी कि कहते हैं भगवान के घर भी चली गई है, बड़े अच्छे लोग थे, कम समय में चले गए। देखो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त लोग हैं वहाँ अपने दिनचर्या का सुबह का हिस्सा ले रहे हैं, उनके साथ कुछ और भी है जो छुट्टियों का आनंद भी ले रहे हैं। यह सुबह का माहौल है। और ठीक, मैं पुनः आपको लेके आया हूँ जो कुंड के पास। कुंड को आपको अलग अलग तरीके से मैं इस कुंड के दर्शन करवाता हूँ। जब बारिश आती है तो यहाँ पानी का कैचमेंट एरिया की वहाँ से गुजरता है, कुछ बच्चे यहाँ सुबह के समय खेलने भी आते हैं। तो दोस्तों मित्रों, आज हमने मुक्तेश्वर मंदिर देखा है, ऐसी और भी जगहों पे मैं आपको भ्रमण करवाता रहूँगा। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वॉइस ऑफ जैसलमेर। जय हिंद।